गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है मेरा 30 डेज नो शुगर का फोर्थ डे और शुरुआत कर लेते हैं अपने पानी से और ये ड्राई फ्रूट। और आज मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं क्यों, और थोड़ा लाइट लाइट फील हो रहा है और थोड़ा मसल्स में बेहतरीन, यार थोड़ा सही लग रहा है मेरे को, यानी कि मज़ा सा आ रहा है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको बताता रहूँगा जो जैसा मेरे को महसूस होगा। छत पर अपना वर्कआउट करते हैं शुरू। आज एनर्जी ठीक है मेरे अंदर, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, दो दिन थोड़ा सा मुझे लगा था, फर्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा लगा था, थोड़ा डाउन सा, और मन सा भी करा था शुगर, और मैंने चाय भी नहीं पी बिल्कुल भी। पहले तो फीकी पी थी फर्स्ट दिन, उसके बाद मैंने पी नहीं चाय और बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाया। अच्छी बात है, मिलते हैं ऊपर थोड़ी देर। ये रहे हमारे अखरोट, गुड फॉर फैटी एसिड। पीता हूँ अपनी प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। लो भाई, मैं अपना बनवा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट। नींबू है नहीं घर पर, थोड़ा सा नमक थोड़ा सा सही है। हाँ, जैसे कि कल मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी ना, क्रैम्प के हिसाब से सही है ना। चीनी अपने को डालनी नहीं, वरना इसमें नींबू चीनी और नमक डाल के आप ले जा सकते हो। ये हो गया रेडी। डम्बल नहीं मिल रहे यार, दिमाग खराब हो रहा है, डम्बल ही नहीं मिल रहा, पता नहीं। ये रे लव जी, देखना वो उधर कौन है भैया, कहाँ रखे इन लोगों ने। चोरी हो गई, मैं तो सो रहा, डंबल हुए चोरी। छोटे वाले देखो उसी में रखे होंगे, यहाँ नहीं रखवाना इस बार। निकालने में कमर की बहन, वही जहाँ रखे रहते वही ठीक है, इनकी जगह वही सही है जहाँ हम रखते हैं। चलो हम तैयारी करते अपने वार्म अप की। अरे हाँ, एक बात और बताऊँ आपको, मैंने कुछ मंगवाया है तो अभी डिलीवर होने दो, फिर मैं आपको बताऊँगा। प्रोटीन सोर्स मंगवाया मैंने, आने दो फिर मैं बताता हूँ उसको, है ना, रिव्यू करके दिखाता हूँ आपको, अपना ओपिनियन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भैया। लो भाई, मेरा साथ दे रहे हैं मेरे पार्टनर। आ गया, ये रहा। वो ऐसा उड़ गया थे कल्लू, इसकी वजह से आया है, इसकी वाइफ दिखा के बुलाया फिर हमने। आप रहे सारे के सारे, नीचे चलो भाई साहब, अपना चल रहा है व्यवहार का आउट। वाइट कलर रोना है, एक मर गया हमारा बच्चा, इसका बच्चा है ये। क्यूट सा लगा, 3 दिन का बच्चा है, ओनली 3 डेज। क्यूट। मेरा पोटेशियम मैग्नीशियम सारा निकल गया, चुका है। पहले मैं हनी लेता था ना मॉर्निंग में, वो भी लेना बंद, और दूध में बॉर्नविटा डालता था। एक चीज बताऊं, एक तरह का चीनी का काम करता था वो भी बंद, पीनट बटर भी बंद, सिर्फ दूध सब बंद। अब धीरे धीरे ये जो बाहर आ रहा है ना, ये ऐसे भी हो जाएगा, ये कट गया थोड़ा, करता हूँ खुश। चलो
चलो लाइट्स बहन है पसीने के साथ। तो हो गई भाई अपनी आज का वर्कआउट पूरा, अब चलते हैं नीचे दूध बनाते हैं। विटामिन डी भी मिल गया, ये फायदा होगा मेरे को मॉर्निंग में ना, भरपूर विटामिन डी। यार दूध अभी ना जस्ट अभी गर्म हुआ है ना, तो मैंने किया हुआ बहुत ज्यादा गर्म है, तो अभी इसे ठंडा करने के लिए मैं फ्रीजर में रखती हूँ, तब तक ये कर लेते हैं बनाना। पोटेशियम हालत खराब हो रही है पोटेशियम की, यार एकदम से ना गर्म गर्म दूध सही नहीं है, टेम्परेचर भी। और यार मैंने अभी वो सब बंद कर रखा है अपना, बोर्नविटा में चीनी होती है, पीनट बटर पहले खाता था वो भी बंद, पीनट जो रोस्ट कर रखे, रोस्ट देखा होगा आपने कल वाली वीडियो में, तो वही चलना। देखो बनाना भी ठंडा है, तुम्हें कैसे दिखाऊं, फ्रीजर में रखा था। चलो आराम से खाओ बैठ। बस यही है मेरा शुगर का शौक। शुगर यार ऐसे क्यों बोला जा रहा है, ढेर हो गया मैं। लेकिन भाई मैं एक बात बताऊं, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एक तो मेरे को बहुत लाइट फील होता है, और अब ना मेरे को ये चीजें मीठी लगने लगी। आज मैं सुबह में जब ऑलमंड्स और वो खा रहा था ना, अखरोट तो उसमें मिठास मुझे महसूस हो रही थी, जो नहीं वैसे बंद कर दो, यानी कि अब टेस्ट जो है मेरा वो शुरू हो चुके हैं अंदर के, भी मीठा लग रहा है मेरे को, सच बताओ। तो बाकी कोई ऐसा नहीं है, बस एक्सरसाइज करते टाइम यार थोड़ा सा, अभी कुछ है नहीं प्रोटीन सोर्स, बस एग्स वगैरह जो खा रहा हूँ वही है। बाकी एक चीज मंगाई है, अभी रुको आने दो एक एक करके तुम्हें रिव्यू, जरा रुको अभी नहीं आने वाली, जैसे अभी आ जाए डिलीवर हो जाए फिर दिखाऊंगा। यो भाई दूध दाद लेने के बाद ये हमारे आ चुके गुंडिया भाई। गुंडिया भाई क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? तलर चल रहा है लाइफ में, और बुखार बुखार सही है। गुंडिया भाई को बुखार हो गया था लंजेस मारने के बाद, हर चीज अब सही है, दिखाओ ना। हाँ मैं सही हूँ, मेरा पेट में दर्द हो गया था, पूछ रहा था मैं इनसे, वो क्रैम की वजह से जो पेन हुआ था ना उसको। कहाँ पे दर्द हो गया था बाबू मेरे तो? हाँ कमर में तो नहीं हुआ था यार, पेट में हुआ था वैसे तो। चलो भाई साहब अभी मैं इसको पढ़ा लेता हूँ फटाफट से। इसका नाम क्या है बाबू बता तो दे थोड़ा सा। इस तो और ये भैया यार इस तो सब याद आ गया। वो जाने तो मन्ना दिखाने, जरा बाल बाल तो दिखा दो, क्या सुंदर बन के आई है। आए है राजा बाबू मेरी, देख रहे थोड़ा सा वो आ गया है, जरा सी तारीफ क्या कर दे देखे सर ये। चाची की हेल्प करा रहे हैं, कैसे बनाते हैं इसको, क्या बोलते हैं डो से, कैसे बना रहे हो रोटी? हाँ सही में फ्लोर लगा के। हाँ कैसे लगाते हो फ्लोर बताओ तो सही। लो फ्लोर दे दिया मैंने, और कैसे लगाते हो फ्लोर को? हाँ सही लगाता, ऐसे लगाता है। अच्छा ऐसे बनाते हो, रोलिंग पिन तो बता दो कैसे यूज करते हो। रोलिंग पिन लो देख लो। मेरा छोटा सा बच्चा बन गया, अब चाची बना ले। अच्छा अच्छा चलो भाई मैं तो यहाँ से फटाफट जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए हमें बाहर जाना है, तो हम फटाफट से इसको बनाते हैं ठीक है। तब बनेंगी रोटियां तुम्हारी, मैं तो भूत लग रही थी बहुत तेज थी। दिखाओ तो कैसे कैसे बॉल बनाएं। अच्छा सो जाऊं मैं जाके? जब बन जाएगी जब बना दो, ट्यूशन पढ़ने आओ, रोटी बनाने आए हो? नहीं वो किचन की चीजें सीख रहा है, ये भी सीखना चाहिए। बताओ तो चाचू को क्या क्या कपट मैंने आपने सीखा अभी? किचन भी चाहिए मेरे को, किचन भी चाहिए। किचन में क्या क्या चीजें होती हैं तो बताओ, इसका नाम क्या है? रोलिंग पिन। और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बुखार वाली बच्ची, वाह बड़ी तड़वी लग रही है बुखार वाली बच्ची तो तुम्हारी, थोड़ा सा बुखार है। चाचू ने शुगर का चैलेंज लिया है हर्षिल। मैं खाता नहीं हूँ शुगर, शुगर नहीं खाते चाचू। अच्छी वाली पता है आपको, ले जाने तमन्ना, गुड़ गुड़ खा लेना, खजूर खा लेना। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ मैंने मंगवाया है अमेजोन से, इसको अभी तो मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अनबॉक्स करूंगा और आपको दिखाऊंगा मैंने क्या इसके अंदर मंगवाया। एक दो पैकेट और आने तो उसके भी प्रॉपर तरीके से रिव्यू दूंगा मैं, मिलते हैं अभी। लो भाई आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, अब यहाँ से करेंगे कहीं और का भ्रमण। ले लिया भैया एग्जिट, फूड बस इंडिया। आ गए थे, मैं आटा की गूंथने जा रही हूँ पूरी का, आज पूरी सब्जी बनेगी। सब्जी में हमारा सीताफल बनेगा, सीताफल के लिए इनके लिए पहले मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। मेरा वो तोड़ दियो वचन, इधर ही तेरे अलग निकाल दूंगा, मीठे की खट्टा मीठा खाते हैं ना वैसे। हाँ। तो चीनी डाल के गुड़ डाल दो, गुड़ डाल, ठंड होती तो गुड़ डाल लेते हैं ऐसे, और खटाई वटाई। पर अब मुझे इनके लिए सब्जी अलग निकाल के रखनी पड़ेगी। मैंने अजवाइन और ऑयल, जैसे कि मैंने आप देखा होगा अजवाइन और ऑयल और नमक डालकर फाइनली गूंथ के रख दिया मैंने इसको, और कितना सॉफ्ट हो गया, डो हो गया तैयार। ठीक है अब हम थोड़ी देर इसको हल्का सा ग्रीस कर देती हूँ, हल्का सा ऑयल अपने हाथों से ऐसे ऐसे, उसके बाद इसको ढककर रखते हैं।
तो ऑलमोस्ट सब्जी तैयार हो चुकी है, थोड़ी सी और भुननी रह गई है ना, तो अभी चीनी ऐड नहीं हुई है, बिना चीनी का। हाँ, बिना चीनी का है, सब कुछ कर चुका है, मसाले वसाले जो भी मम्मी डालती है और आमचूर भी डाल चुका है। अब इनके लिए मैं पहले सब्जी निकाल दूंगी, उसके बाद ये चीनी ऐड होगी। हम सब लोग फाइनली सब्जी तैयार हो चुकी है, अब इनके लिए निकलने जा रही हूँ। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है फूलों के लिए, सरसों का ऑयल। अब होगी चीनी ऐड, थोड़ी सी बस स्वीटनेस, ज़्यादा नहीं पड़ती, बहुत ही थोड़ी सी पड़ेगी। लोगों को दिखाते हैं, ये देखो तैयार हो चुका है, और इधर और ऑयल और इसकी है, इसको ढक कर मैं पूरी ढक के बना कर इसको ढक कर यहाँ रखूँगी, और उधर ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो चलो फटाफट से तैयारी करते हैं और बनाते हैं। मुझसे ऑयल लगा के ना पूरी बनती नहीं है, ठीक है, चिपकती बहुत है। अब देख, होप सो बहुत अच्छे से बन जाए, उसको हम रख देते हैं। अब इसको ढककर मैं यहाँ रख देती हूँ, जिससे कि ये पापड़ ना बने, यानी कि हवा में थोड़ी टाइट ना हो, फटाफट से ऑयल हो जाएगा, फिर हम इसको तलें। लो भाई, छोटी पूरी तो तैयार हो चुकी है, तेल इधर गर्म हो रहा है और ये पूरी गई अंदर। ये वाओ, अमेजिंग, गर्मा गर्म पूरियाँ हो गई है ना, अजवाइन वाली पूरी है। अजवाइन वाली ये अच्छी सही है ना, उसके लिए भी सही रहती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है अजवाइन। ये पूरी रेडी, ये आ चुका है भैया ठूसने के लिए। परी कहती है मैं भी खाऊंगा पूड़ी, ऐसा मुंह बना रहा था, मैं भी खाऊंगा पूड़ी। यही है, बिना चीनी का। कैसे मुंह बना के कर रहा था तू? मैं भी खाऊंगा पूड़ी, पूड़ी बनवा लेना मेरे लिए, निकल ले यहाँ से पतली गली से, तेल लेने है कुछ भी। चीनी है ना इसमें बहुत ज्यादा, चीनी इसमें गुड़ है। वो सब्जी में सीताफल बनवा ताकि मेरे को थोड़ी शुगर मिले। देख लो ये भाई साहब, विश्वास है ना आप लोगों को, झूठ नहीं है बिल्कुल भी, ये तुम्हें बर्गर आ रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, मीठा अलग निकलवाया मैंने अपना, इसके अंदर मीठा अलग निकलवाया मम्मी से। यार तुमने अलग निकाल दिया था ना मेरे, ना दे बस पूछ ले। अरे वाह, हल्की हल्की फोकी फोकी पूड़ियाँ, क्या मैं तो एक ही खाऊंगा। हाँ थोड़ी हार्ड होगी, कोई बात नहीं, हार्ड होगी। अच्छा और ले लेना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाओ यार, पूरी खाने का मैं फैट के लिए थोड़ी मना कर रहा है, फैट खाने के लिए थोड़ी मना कर रहा है मैं भैया, चीनी तो डाल ले, चीनी खा तू, खूब चीनी खा, मैं तो कहूँ तू खूब खा, कट भर भर चीनी खा तू, बढ़िया लग रहा है ना। बस तुम इससे बैठ के ऐसे नहीं खाते, गंदी बात होती है। हाँ खा ले, कोई बात नहीं, मैं टेस्ट करता हूँ उसको। बिना चीनी का यार, फर्स्ट टाइम हो रहा है, सच बता रहा हूँ, सही है लग रहा, कुछ भी मैं थोड़ा सा मीठापन कम है और कुछ नहीं है, मैं इसकी मिठास महसूस कर पा रहा हूँ। ये फायदा होता है ना चीनी खाने में, यानी कि ना शुगर लेने का, अपना एक नेचुरल जो मिठास है ना उन चीज़ों की अपनी, वो फील कर पा रहा हूँ। भाइयों ये सब चीज़ कहनी पड़ती है दिलो तसल्ली देने के लिए। ये मम्मी लिया है गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तो भाई खाते पीते हैं करते हैं आज के दिन का एंड पूड़ियों के साथ और बिना चीनी के कद्दू की सब्जी के साथ। बाय 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 बाय। चार पूरी खाने के बाद मैं आ चुका हूँ ऊपर, थोड़ा टहल लेता हूँ। तूने कितने खाई है? 50 पूरी खाने के बाद ये बैठने आया है। 35 पूरी का रिकॉर्ड तोड़ा, चैलेंज है इसकी तरफ से 35 पूरी का। ले लो भाई चैलेंज ले लो, और थोड़ी डांगर।